بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Before starting the topic, I would like to ask you to please subscribe our channel for more videos in future. Thank you. Today we'll start about the introduction to software project management. So what is project management? Its formal definition is a systematic approach to system development, a set of activities to plan, monitor, coordinate and review a system development project. मतलब कि तमाम activities जो कि हम एक project को बनाने में, एक product को बनाने के लिए हम plan करते हैं, monitor करते हैं, जितनी coordinations करते हैं, उसको बार बार review करते हैं, वो सारे आते हैं project management के अंदर. अब इसके अंदर management की activities कौन कौन सी है? अब इसमें सबसे पहले आपके पास cost estimation आ जाती है, दूसरी आपके पास development schedule आ जाता है कि आप किस schedule के मुताबिक काम करेंगे. फिर एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स आप डिफाइन करते हैं. फिर प्रिपरेशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स, जो आपके पास प्रपोजल आ जाते हैं उसको इवैल्यूएट करते हैं कि हमने इसके ऊपर किस तरह के, किस बेस पे और किस तरह काम करना है, किस तरह इसको आगे लेके जाना है. मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग एक्टिविटीज़. इसमें सबसे पहले प्लानिंग आ जाती है. प्लानिंग ऑब्वियसली हर काम के लिए ज़रूरी है. फिर ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, मेकिंग अरेंजमेंट्स, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आपके पास बंदे अवेलेबल है नहीं है, टेक्नोलॉजी आपके पास है कि नहीं है, कॉस्ट के अंदर आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, जितनी भी अरेंजमेंट्स हो सकती है आपसे. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी इसमें आ सकती है, और मतलब फॉर एग्जांपल ऑफिस की अरेंजमेंट आ जाती है. फिर उसके बाद स्टाफिंग आ जाता है कि आपके पास स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं है, कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि आपके पास आप जो टास्क कर रहे हैं उसके लिए आपके पास मतलब फर्स्ट आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपके पास डिज़ाइनर है कि नहीं है. फिर डायरेक्टिंग आ जाता है, गिवन इंस्ट्रक्शंस, आप किस तरह टीम को लेके चलते हैं आगे और किस तरह काम निकलवाते हैं उनसे. मॉनिटरिंग ऑब्वियसली ज़रूरी है, चेकिंग ऑन प्रोग्रेस. मॉनिटरिंग का मतलब है कि आप हर बंदे से किस तरह काम ले सकते हैं और वो काम आपके मतलब आपने जिस तरह इंस्ट्रक्शन दी हुई उसके मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा. कंट्रोलिंग, टेकिंग एक्शन टू रिमेडी होल्ड्स अप. इनोवेटिंग, कमिंग अप विद न्यू सोल्यूशंस, आप कोई नई चीज़ मार्केट में लेकर आते हैं या फिर कोई नई चीज़ जो है ना आप सॉफ्टवेयर में नई चीज़ डेवलप करते हैं. रिप्रेजेंटिंग लेजोनिंग विद द यूज़र्स, यूज़र्स के साथ आप थॉरली इन कॉन्टैक्ट होते हैं. इसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब गोल्स. इसके तीन मतलब हाई वो गोल्स हैं. ऑन टाइम, आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम इन शेड्यूल मतलब कंप्लीशन होनी चाहिए. ऑन टारगेट एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ विद इन बजट. आपने जो बजट एस्टिमेशन स्टार्ट में की होती है आपको प्रोजेक्ट उसी बजट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए. फॉर दैट ऑन टारगेट एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट बजट एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट विद हाई डिग्री ऑफ यूजर कमिटमेंट. इफेक्टिव क्लाइंट रिलेशंस इंक्लूडिंग इन्वॉल्विंग यूजर डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट्स एंड मैनेजिंग चेंज. आप मतलब यूज़र्स के साथ डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होते हैं कि आपको इफेक्टिव क्लाइंट रिलेशंस इन्वॉल्विंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए. प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स में क्या कहता है, हैज़ ए यूनिक पर्पस. प्रोजेक्ट का एक पर्पस होना चाहिए, विदाउट पर्पस कोई काम नहीं होता. इज डिफाइंड बिगिनिंग एंड डिफाइन एंड, मतलब आपको प्रोजेक्ट के बिगिनिंग और एंड का पता होना चाहिए कि मैं कब से किस जगह से स्टार्ट करूंगा और किस कौन सा मेरा एंड पॉइंट होगा. इज डेवलप्ड यूजिंग प्रोग्रेसिव एलिबोरेशन. रिक्वायर्स रिसोर्सेज ऑफन फ्रॉम वेरियस एरियाज, पीपल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आपके रिसोर्सेज हैं. शुड हैव अ प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर. द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर यूजली प्रोवाइड्स द डायरेक्शन एंड फाइंडिंग्स फॉर द प्रोजेक्ट. जो प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करता है, जो बंदा जो स्पॉन्सर होता है, वही डायरेक्शंस और फंडिंग देता है प्रोजेक्ट के बारे में. इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली होती है. डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, एस्टिमेट्स ऑफ टाइम एंड कॉस्ट. अनसर्टेनिटी ब्रिंग चैलेंज. अनसर्टेनिटी जब भी आती है तो एक आपके पास एक चैलेंज भी सामना करना पड़ता है. द ट्रिपल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब तीन पाबंदियाँ कौन कौन सी इसमें है. एवरी प्रोजेक्ट इज कंट्रोल्ड इन डिफरेंट वेज बाय इट्स स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट. दीज आर द थ्री कॉन्स्ट्रेंट्स, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट. सो स्कोप मीन्स वट वर्क विल बी डन. एंड टाइम मीन हाउ लॉन्ग शुड इट टेक टू कम्प्लीट. कॉस्ट मीन वट शुड इट कॉस्ट. इट इज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स ड्यूटी टू बैलेंस दीज थ्री ऑफन कम्पीटिंग गोल्स.
प्रोजेक्ट मैनेजर का ही काम है कि वो तीन चीज़ों को देख के ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे या डिनाई करे, जो भी करता है। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तीन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। टाइम कॉन्स्टेंट में क्या आता है? फॉर एनालिटिकल पर्पजेज द टाइम रिक्वायर्ड इज एस्टिमेटेड यूजिंग सेवरल टेक्निक्स लाइक वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम। WBS मीन्स वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम। वन मेथड इज़ टू डिफाइन आइडेंटिफाई टास्क नीडेड टू प्रोवाइड टू प्रोड्यूस द डिलीवरेबल्स डॉक्यूमेंट्स ए वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। द टास्क आर ऑल्सो प्रायोरिटाइज्ड, डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क आर आइडेंटिफाइड एंड दिस इंफॉर्मेशन इज डॉक्यूमेंटेड इन अ प्रोजेक्ट शेड्यूल। द डिपेंडेंसीज बिटवीन द टास्क कैन इफेक्ट द लेंथ ऑफ द ओवरऑल प्रोजेक्ट एज कैन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। How cost will can come under the constraint? Cost to develop a project depends on several variables including resource cost, material rates, risk management. That is cost contingency, equipment cost escalation, indirect cost and profit. The economic cost that must be considered includes worker skill and productivity, which is calculated by variation to project cost estimation. Estimates. This is important when companies hire temporary or contract employees or outsource work. What all comes under scope? Requirements specified to achieve the end result. The overall definition of what the project is supposed to accomplish. मतलब आप प्रोजेक्ट किस लिए बना रहे हैं, उसका मेन एम क्या है उस प्रोजेक्ट को करने का। आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका मेन एम क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर आपको मतलब क्या आउटपुट देगा या फिर वो किस काम के लिए बन रहा है, तो उसको हम स्कोप कहते हैं। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ स्कोप इज़ द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी प्रोजेक्ट। द अमाउंट ऑफ टाइम पुट इन टू इंडिविजुअल टास्क डिटरमाइन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। टुगेदर दीज थ्री कॉन्स्टेंट्स हैव गिवन राइज टू द फ्रेज वन टाइम वन स्पेसिफिकेशन वन बजट। थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द another topic.